सुलेमान सुमन सुमन सुलेमान सुमन इब्राहिम, आप मेरी नकल क्यों उतार रहे हो? सुमन सुमन ये हाथ का मोबाइल बना रहा है। सुमन मैं वीडियो बना रही हूँ ना, तो मेरे साथ साथ वेरी बैड। चुमन मुझे तो तल्ले है यार, का तल्ले मन से यार, मुझे तो सही करो अपने यार, मुझे तो सही कर लो यार। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये देखिए, सूरज बिल्कुल आज ना सर के ऊपर था, हमारी गाड़ी के साथ 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 चल रहा था। इतनी कोई तेज़ धूप थी आज के मैंने कहा अभी तो भाई गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई और अभी से इतनी गर्मी है, तो आगे क्या होना है पता नहीं, क्या हाल होगा आगे। खैर, आज था संडे और हम ना संडे को लेट सो के उठे, और लेट सोकर उठे ना, तो इसलिए हमारे सारे काम लेट हुए। पहला तो ये कि आज हमारी ड्राइविंग भी नहीं हुई, हमारा ब्रेकफास्ट, हमारा खाना, हर काम देर से हुआ। आज ना हम जा रहे थे ग्रॉसरी शॉपिंग करने, तो वो हम मोस्टली ना सुबह में करते हैं ये ग्रॉसरी शॉपिंग ना, ताकि रश नहीं होता इसलिए। तो आज हम ज़ाहिर सी बात है देर से सो के उठे, तो हम देर से घर से निकले और सुलेमान और इब्राहिम भी साथ थे। और मैं यही डर रही थी कि यार आज संडे है और रश ना हो इम्तियाज़ में कहीं, और वैसे खैर रश होता, संडे का दिन था। क्योंकि सुलेमान जो है ना वो रोना स्टार्ट कर देता है जब ज़्यादा रश देखता है, तो मैं बस यही घबरा रही थी कि बस अल्लाह करे खैरियत से ग्रॉसरी शॉपिंग हो जाए और मैं अपने घर आ जाऊँ। ये डॉलमिन मॉल है हैदरी का, इसकी रेनोवेशन चल रही है, तो जिसकी वजह से इसको बंद किया हुआ है। लेट्स सी ये कब स्टार्ट होता है, फैब में कहा था ये स्टार्ट होता है। ये लें जी, हमारा इम्तियाज़ भी आ चुका है। इम्तियाज़ में वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और वैसे भी इम्तियाज़ में इस कदर रश था आज कि मैं आपको क्या बताऊं। जैसी मैंने आज बहुत ज़्यादा, मैं थक गई थी बस आज, मैं कह रही थी बस मैं किसी तरह घर चले। इब्राहिम सो जी, हमने ना ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम जा रहे हैं घर। आज मैं इस कदर थक गई थी कि मैं बस कह रही थी मैं घर चली जाऊं और सो जाऊं, लेकिन गए सो नहीं सकते थे। और ये था कि बच्चे थे ना, तो मैंने कहा ये जब बच्चे सोएंगे तो ज़ाहिर सी बात है मैं भी जब ही सोऊंगी। और आज गर्मी बहुत थी, एक तरफ था सूरज और ये देखें एक तरफ है चाँद, कितना खूबसूरत। मैंने कहा यार जाते हुए सूरज बिल्कुल सामने था, सर पे था, और ये देखिए चाँद। और इस वक्त कोई 5:30 का टाइम था और ये चाँद बिल्कुल ना सामने था, तो मैंने इसको भी अपने व्लॉग में ले लिया। तो मैं जी घर पहुंची, और घर पहुंच के ना जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी ताकि बस मैं रखूं जल्दी जल्दी और मैं फारिग हो जाऊं रख के। सामान ले तो आओ, बस जब उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है यार। तो बस मैं भी जल्दी जल्दी वही करने में लगी हुई थी। मैंने क्या लिया, मैंने इस बार ना ज़्यादा कुछ लिया नहीं, मुझे स्लीपर्स भी लेने थे और एक दो चीज़ें और लेनी थी, बट वो मुझे इम्तियाज़ में नहीं मिली, तो इसलिए ना मैंने कहा मैं नेक्स्ट टाइम ना कहीं और से जाके वो ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ से अपना जो शैम्पू, कंडीशनर वगैरह, रोल ऑन, और बच्चे के लिए सोप, और ना अपने लिए बच्चों की तरह डेरी मिल्क, चॉकलेट्स और बिस्किट्स वगैरह मैं लेकर आई। तो ये ना मेरा ना आज का शॉर्ट ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, और आना भी चाहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए मेरा दिल नहीं चाह रहा कुछ लंबा ब्लॉग करने का, तो ब्लॉग को हम करते हैं एंड, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।